आदिवासी परंपरारे माँक पूजार्चना पूजार्चना पाई हुए रथयात्रा आदिवासी मूलकरे पुरीर झलक भिन्न परंपरा भिन्न आवेग ओडिशा सीमांत छत्तीसगढ़ बस्तर रे ओडिया परंपरार छिता माँ पूजार्चना पूर्वर कराउछि रथयात्रा एथिरे लक्षाधिक आदिवासी जोग देथांती एभले आध्यात्मिक परिवेश देखा देछि छत्तीसगढ़ बस्तर जिला रे। राजकीय परंपरा और प्रथा अनुयायी माँ को पूजार्चना करा प्रथमे दंतेश्वरी पीठ दंतेवाड़ महाराजा स्वयं माँ को निमंत्रण कर जगदलपुर स्थित मंदिर को आणती आरंभ हुए दशहरा पर्व प्रत्येक दिन संध्यारे प्रभु जगन्नाथ और विभिन्न देवी आज्ञा नहीं माँ को रथारूढ़ कर प्रारंभ हुए रथटणा प्रक्रिया आदिवासी पारंपरिक नृत्य बाद्य सह पुलिस बैंड भी सामिल होता है एवं छत्तीसगढ़ पुलिस पक्षर मां को सात तोपर सलामी दिया जाए था। विश्व प्रसिद्ध दशहरा इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि सर्वाधिक लंबा दशहरा लगभग 3 महीने 75 दिन से ज्यादा चलता है क्योंकि इस वर्ष मलमास था इसलिए 1 महीने दिन और बढ़ गया है ना, क्योंकि इसकी पारंपरिक बहुत सारी ऐसी देवी देवता पूरे बस्तर में हैं जिसके कारण प्रत्येक दिन, क्योंकि अभी हर दिन जो है एक नया प्रोग्राम होता रहता है जिसकी पहली शुरुआत होती है यहाँ पे जो है लकड़ी लाया जाता है। लकड़ी लाने के बाद जो है वहाँ पे पूजा पाठ होने के पश्चात कार्यक्रम चालू होता है जो हरेली अमावस्या आप लोग जानते होंगे, हरेली अमावस्या जो होती है उस दिन से इसका कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। उसके पश्चात नित प्रतिदिन जो है कोई ना कोई कार्यक्रम होता है जिसमें जोकी मिठाई रस्म भी होता है और जो नवरात्रि के पश्चात जो है यहाँ अभी रथ हमारे यहाँ चलता है जो 5 दिन चलता है कंटिन्यू। तो ये करीब ले लीजिए कुछ सालों लग गए होंगे बस्तर आने में पूरी से यहाँ रथ में बैठ करके, तो लोगों को जब आए तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जोड़ा गया, जो यहाँ पे लकड़ी बनाते हैं वो लकड़ी बनाया गया। जिस तरीके से जगन्नाथ प्रभु में जब हर बार जब रथ बनाया जाता है तो एक स्पेशल जगह से रथ का लकड़ी लाई जाती है, उसी तरीके से बस्तर में भी वही परंपरा है कि एक स्पेशल गांव नियुक्त किया गया जहां से लकड़ी लाई जाती है और पूजा अर्चना की जाती है सुभद्रा माता की, और उस रथ में राजा रथारूढ़ होते हैं। आज भी ये परंपरा चली आ रही है और साथ साथ बस्तर दशहरा जो है 75 दिनों का दशहरा होता है जिसमें बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, विभिन्न दिशा निर्देश राजाओं के उस समय दिए गए आज भी वही कार्यक्रम करते हैं। तबे ही पूजा अर्चना दीर्घ 1500 वर्ष धरी चली आसुची। बस्तरर सही समयर काकतीय नरेश पुरुषोत्तम देव थरे बस्तरर पुरी पर्यंत पदयात्रा करथिले। परे पुरुषोत्तम देव पुरी मंदिर को 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा एवं स्वर्ण अलंकार भेट करथिले। एहाकु नै पुरी मंदिर रे बस्तर राजा पुरुषोत्तम देवंकु रथपति उपाधि द्वारा सम्मानित करा बस्तर को फेरिबा परे दशहरा समय रे पुरी भली रथ चलाइबार परंपरा आरंभ करथिले। सेही समय ठारु आज पर्यंत दशहरा पर्व पालन करा जाउछि। स्थानीय आदिवासी सहयोग एवं राज्य परिवार उपस्थिति रे ही पर्व पालित हुए। आकर्षण हेउछि छत्तीसगढ़ बस्तर माँ दंतेश्वरी रथयात्रा पालन। यह उभय बस्तर और ओडिशा पुरीर निबिड़ संपर्क एक इतिहास। श्रद्धालु लोग बहुत दुखी है, मतलब न पद यात्रा करे न दर्शन करने मिल रहे, पर क्या करे कोरोना काल के कारण हमको सब नियम का पालन करना पड़ेगा ना, नहीं करने से फिर उसके बीमारी कोरोना फैल सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग को भी लागू करना जरूरी है,
सब मान के चलना पड़ेगा। हर साल जो दशहरा होता है यहाँ पे वो बहुत ही फेमस है यहाँ का दशहरा। लोग देश विदेश से आते थे देखने के लिए इस बार, लेकिन कोरोना के चलते आज इस साल नहीं आ पा रहे। दर्शक को मना है आज इस बार आना, और जो यहाँ रथ जो खींचने वाले हैं उनका भी कोरोना टेस्ट होने के बाद ही उनको खींचने दिया जा रहा है इस बार। इस बार थोड़ा धूमधाम कम है, लोगों को प्रशासन ने बोला है कि घर पर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, उसके बाद हो सके तो आइए। मंदिर में भी अभी जाना अलाउड नहीं है। तेबे महान दशहरा पर्व दीर्घ 75 दिन धरी चली था। ओडिशा सीमांत रे ओडियार झलक बेस बारी हो पड़ी, जहां समस्त मध्य एक आनंद उल्लास भरी दे। कोरापुट कोटपाड़ थबीर समर्थ रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।